एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है, तो उसका मैं क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहती हूँ। इंजेक्शन से रिलेटेड, जो इंजेक्शन इसमें लगाए जाते हैं उससे रिलेटेड जो है, मुझे बिल्कुल ये बात, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, मुझे अच्छी नहीं लगती है, आपके लिए मुश्किल है। देखिए, मैं मानती हूँ आपके लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये सही नहीं है। बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैम ये मेडिसिंस बहुत ज़्यादा महंगी हैं, कॉस्टली हैं, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, क्या हम इंजेक्शंस जो हैं वो क्विट कर सकते हैं, या इंजेक्शंस जो हैं वो हम किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। हो सकता है आप किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने के बारे में क्यों सोच रहे हो, अगर जहाँ से आपका IVF चल रहा है, देखिए 3 मंथ आपको वहाँ से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। मैं बार बार बोलती हूँ, एक बार एम्ब्रियो अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, IVF जो है वो 3 मंथ तक आपको प्रॉपरली अपने जो गायनी है जहाँ से आपने IVF कराया उसके ऑब्जर्वेशन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपको जो है कहीं और ट्रीटमेंट, वो आपको गायनी से डिस्कस करके ही किसी और डॉक्टर के पास जाना है, और वो भी जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा उससे अपनी गायनी से आपकी बातचीत होनी चाहिए। अगर आप इंजेक्शन जो हैं वो कॉस्टली हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ कॉस्टली है, मेरे लिए भी ये डिफ़िकल्ट था, मैं बहुत बार डॉक्टर को ये बात बोलती थी कि मैम ये कॉस्टली है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं किसी और से ट्रीटमेंट करा लूँ या फिर इंजेक्शंस को बंद कर दूँ, क्योंकि ये इंजेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव हैं, पेनफुल भी हैं, लेकिन ये मैं जब मेरे हस्बैंड थे तो वो इंजेक्शंस लेके आते थे, तो वो ये बोलते थे कि मैं इंजेक्शन लाते लाते थक जाता हूँ और ये लगवाते हुए नहीं थकती। तो देखिए ये पेनफुल हैं बहुत ज़्यादा, मेरे को तो ब्लीडिंग भी हो जाती थी कई बार इतना, क्योंकि वहीं पर बार बार इंजेक्शन लगवाना और फिर पेन भी होता रहता है इसमें। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए मैंने आपको एक क्रीम का नेम भी बोला है, थोमोफैब, वो आप अपनी गायनी से पूछ कर ही यूज़ कीजिए, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ नेम, तो वो क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। उस पर आइस पैक जो है लगा सकते हैं, गर्मियों में विंटर्स है तो उस पर सेक कर सकते हैं गर्म। तो इस चीज़ों का अगर आप करेंगे तो देखिए 3-4-6 मंथ की बात होती है, अपने आप निकल जाता है किसी को बताने से या कहने से कि ऐसा होगा या पेनफुल है। बहुत से मेरे पास एक कमेंट भी आया जिन्होंने ये बोला कि आप जो है IVF के लिए जाइए ही मत, ये बहुत पेनफुल है, इमोशनली है बिल्कुल है, लेकिन एक आप तो मैं तो ये अपने हस्बैंड को बोलती थी कि शुक्र है भगवान का कि एक IVF बनाया गया है। बहुत से लोग पहले ऐसे होते थे जब IVF नहीं था तो उनके पास कुछ होता ही नहीं था कि हाँ बस नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले ली, असर कर गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही, तो फिर वो गोद लेते थे या फिर दूसरी शादी करते थे। तो आप ये सोचिए कि अभी IVF का ट्रीटमेंट हो गया है तो कितना हमारे लिए है, अपनी बॉडी को हम पेन जरूर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लेडीज़ को तो वैसे भी हैबिट होती है इस चीज़ की, और अगर हम पेन ले रहे हैं तो अपने लिए ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी और को इसकी जो है बेनिफिट मिलेगा, हमें ही बेनिफिट मिलेगा। और एक ट्राई लेना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होना ना होना तो वो तो भगवान जी के हाथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको पेनफुल मानकर इमोशनली या पैसा खर्च हो गया है या इस तरह की कमेंट करके कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं दूसरों को भी ऐसी एडवाइस दूं, तो ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल जो है नहीं सोचना है। आपके लिए अगर जो है जो इंजेक्शंस आपको दिए गए हैं वो अगर कॉस्टली हैं तो देखिए आप IVF जब स्टार्ट करवाते हैं तो मैं आपको, आप हमेशा ये मान के चलिए कि जो IVF का आपको प्रोसीजर बताया जाता है, जितना पैसा आपको बताया जाता है उससे 1 लाख या 1.5 लाख तो ज़्यादा लगता ही लगता है। कुछ नहीं कह सकते कि ट्विंस होंगे, ट्विंस होते हैं तो और खर्चा बढ़ जाता है, अल्ट्रासाउंड्स का, मेडिसिन का, ब्लीडिंग हो जाती है तो और खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है, हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पहले से ही ज़रूरी है, तभी आप IVF का स्टेप उठाइए। ऐसा नहीं है कि IVF का स्टेप उठाने के बाद, इतना पेनफुल लेने के बाद, इतनी स्ट्रेस लेने के बाद आप ये सोचें कि अब इंजेक्शन महंगे हैं तो अब मैं इनको छोड़ देती हूँ या किसी और से ट्रीटमेंट करा लेती हूँ, तो ऐसा मत सोचिए। देखिए, आपको अगर कुछ बात बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को, बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सोचिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं, राधे राधे।